नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी में शामिल हो रहे विपक्ष के नेताओं पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी समुद्र है और नदियां समुद्र में ही समाती हैं। विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं है, विपक्ष नए नए चेहरे लाता रहेगा लेकिन उनके पास कोई समक्ष चेहरा नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की सेंधमारी जारी है, वहीं लगातार विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि बीजेपी समुद्र है और सभी नदियां समुद्र में ही समाती हैं। मंत्री जी, बीजेपी सेंध लगा रही है लगातार विपक्ष में। अभी ओम प्रकाश राजभर आए हैं आपके साथ में, इसके बाद में सुषमा पटेल आए हैं, राजपाल सैनी आए हैं, तमाम लोग महानदल से भी बात चल रही, शिवपाल की भी बात आती है, तो आखिर क्या बचेगा विपक्ष पर 2024 के चुनाव से? बीजेपी एक समुद्र है और जो भी नदियां हैं सब समुद्र में ही आके समाती हैं। समुद्र के अलावा और उनका कोई विकल्प होता नहीं है। झांसी के सनशाइन क्लब के तत्वाधान में नवीन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हरित प्रदेश आह्वान पर पूर्व मंत्री और वर्तमान महापौर झांसी मेयर बिहारी लाल आर्य के मुख्य अतिथि में जिलाध्यक्ष मुकेश मिश्रा, विशिष्ट अतिथि समाज सेवी संघर्ष सेवा समिति संस्थापक डॉक्टर संदीप सरवागी के संयोजन में ग्वालियर रोड आयुर्वेदिक कॉलेज की बाउंड्री के पास लगभग 500 मीटर की हरित पट्टी पर 150 फलदार और छायादार पौधों का रोपण किया गया। पिछले कई सालों से सनशाइन क्लब के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा हरित पट्टी पर हजारों छायादार और फलदार पौधों का रोपण किया जा चुका है जो कि फलफूल रहे हैं। इस मौके पर क्लब अध्यक्ष नवीन श्रीवास्तव द्वारा आगे भी कई चरणों में प्लांटेशन करने और पॉलिथिन रहित शहर। संजय जी, आज वृक्ष आपने लगाया हुआ है और क्या आप झांसी की जनता को संदेश देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश को हरित बनाने की श्रृंखला में लायंस क्लब झांसी सेंटेनियल और सनशाइन क्लब झांसी के तत्वाधान में आज हम सब ने मिलकर सभी को पर्यावरण के प्रति सचेत किया, प्रेरित किया। आज यहाँ पे मातृ शक्ति मतलब हम लोगों की जो भाभी हैं, बहनें हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, जेंट्स हैं, सारे लोगों ने मिलकर वृक्षारोपण किया और बड़ा खुशी से है। और वास्तविकता में आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए अगर हम लोग कुछ देना चाहते हैं तो पर्यावरण देना बहुत जरूरी है। जिस तरह शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है। झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव दीपाली रायकर के नेतृत्व में भारतीय समाज के सामने अपने प्रतिरोध की मिसाल कायम करके इतिहास बनाने वाली पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी का कचहरी चौराहे स्थित गांधी उद्यान के पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व सांसद फूलन देवी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूर्व प्रदेश सचिव दीपाली रायकवार ने कहा है कि एक स्थिति के भीतर भी साहस और शौर्य होता है। फूलन देवी की कहानी समाज के पिछड़े वंचित और दलित समाज के संघर्ष का इतिहास है। वो कश्यप मल्लाह बिन निषाद बाधम मांझी समाज की अस्मिता और सामाजिक न्याय की प्रतीक बन गई हैं। समाजवादी पार्टी ने फूलन देवी जी को सांसद बनाकर कश्यप निषाद समाज को उनका हक और सम्मान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया था। दीदी, आज क्या कार्यक्रम किया गया? आज यहाँ गांधी उद्यान कचहरी के पास हमारी स्वर्गीय फूलन जी की पुण्यतिथि है जिसके लिए सभी समाजवादी भाई बहनों ने मिलकर उनको श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पण करे और हम लोगों ने उनको महिलाओं को ये आह्वान किया कि अभी हाल ही में जो मणिपुर में हादसा हुआ है वहाँ पर ऐसी क्रांतिकारी महिला का होना बहुत जरूरी था। बस्ती जिले के प्रेस क्लब में स्वर्गीय विष्णुदत्त ओझा की पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और उनके पुण्य स्मृति में निर्धन हिंदू छात्रावास की स्थापना की गई। हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाले पुरोधा स्वर्गीय विष्णुदत्त ओझा के 12वीं पुण्यतिथि पर प्रेस क्लब में 25 जुलाई को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। बता दें कि मंडलीय गौरक्षा समिति के संस्थापक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ के अनन्य सहयोगी हिंदू युवा वाहिनी उत्तर प्रदेश के संस्थापन प्रदेश संयोजक स्वर्गीय विष्णुदत्त ओझा के 12वीं पुण्यतिथि पर सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम स्वनाम धन्य स्वर्गीय विष्णुदत्त ओझा की पुण्यतिथि का है। इस अवसर पर, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान जैसा कार्यक्रम इस नाते आयोजित किया जाता है कि उनकी असमय अकाल मृत्यु हुई थी, वह भी हत्या जैसे जघन्य अपराध के कारण। बस्ती समूचे जनपद का नहीं पूर्वांचल का समाज विष्णुदत्त ओझा से भली भांति परिचित है। अपने कार्य व्यवहार के कारण आज भी उनकी चर्चा होती है, चूँकि उनका पूरा जीवन समाज के प्रति समर्पित था।
बाराबंकी जिले के जैदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मेथरी गांव स्थित कंपोजिट विद्यालय में शासन के निर्देशानुसार महिला सशक्तिकरण के तहत हल्का इंचार्ज योगेंद्र कुमार सहित महिला पुलिसकर्मियों द्वारा गांव की महिलाओं को नारी सशक्तिकरण के तहत विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिसकर्मियों द्वारा महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित की गई महिला हेल्पलाइन नंबरों से संबंधित आवश्यक जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में डायल 112 का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा वुमन हेल्पलाइन नंबर सहित महिलाओं को जागरूक रहने के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम से बचने के लिए किसी भी अनजाने कॉल या मैसेज का उत्तर ना दें। झांसी के थाना बरुआ सागर क्षेत्र के ग्राम तंदील के रहने वाले खिलाड़ियों ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें बताया गया कि खेल मैदान की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। ग्राम में खेल का मैदान लगभग 1 एकड़ जमीन पर पड़ी हुई है, जिसमें 20 से 30 सालों से तेदौन के लोग खेल मैदान में फुटबॉल क्रिकेट खो खो खेलते हैं, जिसमें कई लड़कों का चयन यूनिवर्सिटी में भी हुआ है। हाल ही में 2 लड़कों का चयन मेरठ और फतेहपुर हॉस्टल के लिए हुआ। इन लोगों का कहना है कि अगर ये जमीन पर भूमाफिया कब्जा कर लेंगे तो हम लोग खेल की प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ जाएंगे। सोमवार को तेंदोल खिलाड़ियों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया। जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 10 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। हरदोई जिले में गुरु और शिष्य के रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। 3री क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के साथ सहायक अध्यापक रोजाना अश्लील हरकत करता था। शिक्षक की हरकत से परेशान छात्र ने स्कूल आना बंद कर दिया और डिप्रेशन में आकर बीमार रहने लगी। परिजनों ने छात्रों से स्कूल न जाने का कारण पूछा तो सभी दंग रह गए। परिजनों की शिकायत के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच में दोषी पाए गए शिक्षक को निलंबित कर दिया। मामला हरदोई जिले के विकासखंड संडीला के जेसुखेड़ा प्राथमिक विद्यालय का है, जहां 3री क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के साथ अश्लील हरकत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 3री क्लास में पढ़ने वाली छात्रा रोजाना विद्यालय आती थी। इस दौरान विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक अजित कुमार चौरसिया छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करता था, जिसकी वजह से छात्र ने स्कूल आना बंद कर दिया और डिप्रेशन में आ गई, जिससे वो बीमार पड़ गई। प्रधानाचार्य ने जब घर वालों से जानकारी हासिल की तो पता चला शिक्षक की शर्मनाक करतूत से छात्रा ने स्कूल आना बंद कर दिया और बीमार पड़ गई है। शिक्षिका की मां ने इसकी लिखित शिकायत खंड विकास अधिकारी कार्यालय में की, जिसके बाद बीएसए के आदेश पर खंड शिक्षा अधिकारी संडीला ने पूरे प्रकरण की जांच की है। हरदोई जनपद के संडीला ब्लॉक में एक प्राइमरी स्कूल है जयसुखेड़ा, उसमें एक प्रकरण संज्ञान में आया था कि वहाँ एक अध्यापक है अजीत चौरसिया, उनके द्वारा एक बच्ची से बैड टच का मामला संज्ञान में आया था, जिसकी जाँच हमने खंड शिक्षा अधिकारी संडीला सिमी निगार से कराई और जांच में ये पाया गया कि प्रथम दृष्टया ये प्रकरण सही पाया गया। राजधानी लखनऊ की नाका पुलिस ने डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक की क्राइम टीम और सर्विलांस सेल की मदद से बीते 3 सप्ताह पहले नाका थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर में घर में घुसकर दंपत्ति के साथ मारपीट करने वाले 2 शातिर वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर नाका तेज बहादुर सिंह और प्रभारी सर्विलांस और क्राइम प्रशांत कुमार वर्मा की टीम की मदद से घटना में इस्तेमाल चाकू, सरिया और ग्लव्स भी बरामद कर लिए गए हैं। इस घटना में मैं ये बताना चाहूंगी कि ये चोरी जब करने गए थे तब ये चोरी करते टाइम गए थे तो आहट क्योंकि हो गई थी और दंपत्ति जग गए थे, इसीलिए ये उस घर से कोई भी सामान चोरी नहीं कर पाए थे। अभी तक की जानकारी के अनुसार इसमें 4 अन्य लोग हैं जो कि बाहर से आए थे, इनके पहचान के ही लोग हैं जो इन्होंने एक बाहर के जनपद से यहाँ बुलाए थे घटना करने के लिए, उन लोगों की तस्दीक हमारे द्वारा कर ली गई है। तेज रफ्तार स्कूली वैन सड़क किनारे गड्ढे में जा पलटी, चालक की लापरवाही के चलते हादसा हुआ है। स्कूली वैन पलटने से 4 बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों को नजदीकी सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया गया। अभिभावकों ने चालक की लापरवाही की इससे पहले कई बार स्कूल में शिकायत की थी। कस्बे के इंडस वैली स्कूल की ये वैन बताई जा रही है। राज कोतवाली के धमना रोड का एक पूरा मामला है। महामृत्युंजय महादेव मंदिर समिति की कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों की समीक्षा बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कई निर्णय लिए गए हैं। एक होटल में महामृत्युंजय महादेव मंदिर समिति कांवड़ यात्रा समिति की एक संयुक्त बैठक आहूत की गई, जिसमें कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों पर अंतिम निर्णय लिए गए हैं और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस भारी मानसून सत्र में होने वाले इस कांवड़ यात्रा के लिए विभिन्न समितियों को कांवड़ यात्रा में शामिल शिवभक्तों की सुरक्षा सेवा पर विशेष बल दिया गया। बैठक में महिलाओं ने भी कांवड़ यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया। इसके लिए महिला कांवड़ियों की देखरेख को सुरक्षा के लिए एक और समिति का विस्तार किया गया, जिसमें पालछूनी की जयंती देवी को अध्यक्ष, कंसौला गांव की सुशीला देवी को उपाध्यक्ष, रेखा देवी, शिमला देवी, आशा देवी, कमला देवी को विशेष कार्यकारी में सम्मिलित किया गया है। इसके साथ बैठक में पूर्व की भांति इस बार भी कांवड़ियों के लिए दोनों समितियों की तरफ से पूरी सुरक्षा और रास्ते भर जलपान की व्यवस्था पर निर्णय केंद्रित किया गया है। मुजफ्फरनगर में बाइक और स्कूटर की भिड़ंत में 2 लोगों की जान चली गई तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दरअसल पूरा मामला नई मंडी थाना क्षेत्र के भोपा रोड का है, जहां एक बाइक पर सवार होकर 3 युवक योगेंद्र, हर्षित और रजत जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर से स्कूटर पर सवार
नवाब नाम का युवक भी आ रहा था, तभी अचानक बाइक और स्कूटर के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि जहां एक और बाइक और स्कूटर के परखच्चे उड़ गए, तो वहीं रामलीला टिल्ला निवासी योगेंद्र और भोपा थाना क्षेत्र के गाँव ककराला निवासी नवाब की मौके पर ही जान चली गई। हरदोई में मिक्सर डंपर में भीषण आग लग गई, आग से मिक्सर डंपर जलकर खाक हो गया। बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दुर्गागंज के पास की पूरी घटना है। निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस के मिक्सर डंपर में भीषण आग लगी, बिलग्राम के फायर विभाग ने आग पर काबू पाया। सास ने बहू के साथ जमकर मारपीट की है, सास की हैवानियत का वीडियो सामने आया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, दोनों में मारपीट हो रही है। बहू के लगातार 3 बेटियां पैदा होने पर सास बहू के साथ मारपीट करती रही, बेटा पैदा नहीं होने से नाराज थी सास। गांधी पार्क इलाके के डोरी नगर का ये वीडियो बताया जा रहा है। पीलीभीत जनपद में बीते दिन सोमवार को पीलीभीत हरिद्वार नेशनल हाईवे 730 पर दो मोटरसाइकिल के आमने सामने की जोरदार टक्कर होने की वजह से एक कांवड़िया घायल हुआ था। भानु प्रताप के मंगलवार दोपहर इलाज के दौरान मौत हो गई। भानु प्रताप की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक सोमवार को भानु प्रताप अपने भाई के साथ जल लेकर अभिषेक करने के लिए बरेली अलखनाथ मंदिर जा रहा था। इसी दौरान उनकी बाइक अमरिया थाना क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। फिलहाल सड़क हादसे में घायल हुए कावड़ी की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज सुबह 11 बजे के आसपास दो कांवर थी मोटरसाइकिल से हरिद्वार से जल लेकर आ रहे थे। अमरिया थाना क्षेत्र के पास गांव एक बॉर्डर पे ही गांव है मुडलिया के पास एक अन्य मोटरसाइकिल से इनका एक्सीडेंट हुआ। श्रावस्ती में आकाशीय बिजली गिरने से बुजुर्ग किसान की मौत हो गई, पत्नी गंभीर रूप से झुलस गई है। गंभीर रूप से घायल किसान को इलाज कराने ले जाते समय उसकी मौत हो गई। बुजुर्ग की पत्नी का इलाज किया जा रहा है। खेत में मृतक बुजुर्ग अपनी पत्नी से धान के फसल की रोपाई कर रहा था। अचानक मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हरदत्त नगर गिरंट थाने के बेगमपुर गाँव का ही पूरा मामला है। बलरामपुर जिले के जिला एवं सत्र न्यायालय की एक विशेष अदालत ने नेपाली लड़कियों के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने वाले 3 युवकों को आजीवन कारावास और एक युवक को 7 साल की सजा सुनाई है। ये फैसला महज 10 महीने के रिकॉर्ड टाइम में फास्ट ट्रैक कोर्ट के पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया है। अपर शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार शुक्ला ने बताया कि अररिया थाना के भारत नेपाल सीमा से सटे मणिपुर बाजार में जंगल के रास्ते सामान खरीदने आ रही 2 नेपाली लड़कियों को पकड़कर 4 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था, जिसकी शिकायत लड़कियों ने अपने घर जाकर परिवार वालों से की थी। परिवार वालों ने मामले की जानकारी नेपाल पुलिस को दी। नेपाल की पुलिस द्वारा अररिया थाने में 26 जून 2022 को 4 लोग चंदर उर्फ रामचंदर, राजेंद्र पासवान, राकेश पासवान और पिंटू के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पीड़िताओं का मुकदमा विशेष पॉक्सो न्यायालय में विचाराधीन था। विशेष पॉक्सो की अदालत के न्यायाधीश जहेंद्र पाल सिंह ने दोनों पक्षों के तमाम गवाह और साक्ष्यों को देखते हुए सुनने के बाद आरोपों को सही मानते हुए 3 को आजीवन कारावास और 1 को 7 साल की सजा सुनाई है और 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हरदोई के हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के बरनई चतरखा गांव निवासी एक अधेड़ गांव में एक्सीडेंट देखने जाते समय गांव निवासी लगभग 11 लोगों ने मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। क्षेत्राधिकारी हरपालपुर घटनास्थल पर पहुंचे, मामले की जानकारी ली। परिजनों ने घायल को इलाज के लिए स्थानीय सीएससी में भर्ती कराया। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये थाना हरपालपुर में चतरखा गाँव है, वहाँ पे धीरूपाल अपने बोलेरो से जा रहे थे और उधर से अमरेश सिंह है वो बाइक से आ रहे थे। दोनों में टक्कर हुई तो जिसमें अमरेश सिंह को चोट आई और बलेनो भी खेत में चली गई। उस घटना को देखने के लिए गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और उनमें फिर मारपीट आपस में हो गई। जागते रहो, पुलिस सो रही है। शहर में चोरों का आतंक बढ़ा है। बेखौफ चोरों ने घर के सामने खड़े रिक्शा पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अमरनगर मोहल्ले का है, जहां के रहने वाले आशीष कुमार दीक्षित ने अपना रिक्शा घर के बाहर खड़ा करके चार्जिंग के लिए लगा दिया था, लेकिन बेखौफ 2 चोरों ने देर रात रिक्शा पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब रिक्शा मालिक ने देखा तो घर के सामने रिक्शा जो खड़ा था वो गायब मिला। सीसीटीवी चेक किया गया तो देखा गया कि 2 चोर ई रिक्शा ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस को तहरीर दे दी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही ई रिक्शा चोरी करने वाले चोरों को पकड़ लिया जाएगा। रायबरेली में शौच के लिए गई किशोरी के साथ 3 युवकों ने दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी बना लिया। वायरल वीडियो होने पर पीड़िता के भाई की शिकायत पर पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला डी थाना क्षेत्र का है, जहां थाना क्षेत्र के गांव में 17 साल की किशोरी बीते 20 जुलाई को शौच के लिए गई थी। वहां पर 3 युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसका वीडियो बना लिया। युवकों ने किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी, लेकिन बाद में वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने पर किशोरी ने घर वालों को इसकी जानकारी दी। किशोरी के भाई की शिकायत पर पुलिस ने अनूप सिंह, आकाश सिंह, उदय सिंह के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है।
एक गैंगरेप का मामला सामने आया है, जिसमें एक 17 वर्षीय बालिका के साथ 3 लड़कों के द्वारा गैंगरेप की बात आई है, जिसमें कि लड़की के परिवार वालों की तरफ से तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है और अग्रिम विधि कार्रवाई कराई जा रही है। झांसी में मुहर्रम को शिया समुदाय के नौजवानों ने एक शबल के माध्यम से झांसी के विभिन्न चौराहों पर पानी शरबत जाकर वितरण किया और ये पैगाम दिया है कि मुहर्रम हम का महीना है और इस महीने में इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया था। उनकी प्यास को याद कर आज नौजवानों ने जगह जगह चौराहे पर जाकर पानी शरबत का वितरण किया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।